किस तरह से सेटिस्फाई होना चाहते हैं को बता दो। फिजिकली सेटिस्फाई। तो आप कह रहे हो मतलब फिजिकली सेटिस्फाई, फोन बैठ आपको खुश रखे बस। ओके ओके। नहीं ऐसा कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, बस जो मेरे जो मेरा सुख है वो मुझे सुख, मेरा सुख मुझे दे सके वो। अच्छा। मेरे मेरे को फिजिकली खुश रख सके बस। अपने आपके आपके उसमें कमेंट और नंबर अपना डाल दे, अपनी फोटो हो सके तो एक डाल दे, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसमें से फिर आप मुझे बता देना, मैं खुद सिलेक्ट कर लूँगी। लड़के में मुझे ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि कोई खूबी चाहिए, काला हो गोरा हो कैसा भी हो मुझे चलेगा, पैसा वाला हो कि पैसा वाला नहीं हो तो भी चलेगा, काम करता हो चाहे काम नहीं करता हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है। मेरी अच्छी खासी सैलरी है और मेरा मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैम आपके हमारे पास बहुत दिनों से कॉल आ रही थी शादी को लेकर, बता सकते आपको कैसा लड़का चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम निशा है, ठीक है। मैं तिलोकपुरी में रहती हूँ। तो मैं एक ऐसा लड़का चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले मैंने आपसे इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि मैंने ऐसे अभी वीडियोस देखी है जो वायरल हो रही है जिन पे लड़की अपना डिमांड रख रही है जो जो कुछ है। और मैंने इससे पहले भी जो ऑनलाइन है उससे करने की कोशिश करी तो मेरे साथ सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ। लॉस कैसे हुआ मैडम? जैसे कि कुछ ऐसे फ्रॉडी लोग बोलने लगे कि हाँ हमें पैसा दे दो, हमें ये दे दो, जो तुम्हारी जरूरत है हम वो तुम्हें पूरी कर देंगे, ऐसे करके कुछ लोग आते भी थे वो, और मतलब परेशान ही करते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, जो अच्छा। जो मेरी नीड है उसको पूरा नहीं कर पाते वो लोग। वो लोग अपनी ही डिमांड करके मेरे मेरे पैसे और खर्च करके अपनी जरूरतें पूरी करवा के वो लोग चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैम पारुल जी एक बार बता सकते हैं आपको किस तरह का लड़का चाहिए और क्या लड़के में खूबियाँ चाहिए एक बार बता दो। लड़के में मुझे ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि कोई खूबी चाहिए, काला हो गोरा हो कैसा भी हो मुझे चलेगा, पैसा वाला हो कि पैसा वाला नहीं हो तो भी चलेगा, काम करता हो चाहे काम नहीं करता हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, ठीक है। मेरी अच्छी खासी सैलरी है और मेरा मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए फिर मुझे कैसा भी लड़का हो मुझे चल जाएगा, बस लड़का मुझे फुल्ली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फुल्ली सेटिस्फाई बस, जो मेरी नीड है, जो मेरी जरूरत है उसको पूरा कर सके वो। अच्छा अच्छा। बता दो एक बार आपकी कैसी कैसी जरूरत है, किस तरह से सेटिस्फाई होना चाहते हैं को बता दो। फिजिकली सेटिस्फाई। तो आप कह रहे हो मतलब फिजिकली सेटिस्फाई, फोन बैठ आपको खुश रखे बस। ओके ओके। तो ऐसे कोई भी लड़के नहीं आए, जितने भी हम मैंने ऐड डाले, जितने भी मैंने ऑनलाइन ट्राई किए लड़के ढूंढने के लिए, तो फिर वो बस मेरा ही पैसे ही वो लोग लेते गए बस। अच्छा, कि अच्छा, मेरे अच्छा। को गाड़ी दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये जरूरत है, मैं उनको देती गई, पर वो लोग फिर वो अपनी जरूरत पूरा करके चले गए। तो अभी भी जो भी लड़का आएगा, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, या उसकी फैमिली में कोई हेल्प करवानी है उसको, तो मैं वो सब खुद कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक मैनेजर हूँ। ओके 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 ओके। तो मैम कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट वगैरह डाल देंगे और आपसे आपके आपके उसमें कमेंट और नंबर अपना डाल दे, अपनी फोटो हो सके तो एक डाल दे, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसमें से फिर आप मुझे बता देना, मैं खुद सिलेक्ट कर लूँगी। ओके। तो पारुल जी एक बार ये बता दो, लड़का कहाँ से हो या फिर कोई स्टेट का हो या फिर कहीं का भी चलेगा ये बता दो। नहीं ऐसा कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि गाँव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, बस जो मेरे जो मेरा सुख है वो मुझे सुख, मेरा सुख मुझे दे सके वो। अच्छा। मेरे मेरे को फिजिकली खुश रख सके बस। ओके, इतना ही है मेरे को। वो कहीं का भी हो तो भी चलेगा, उसको कोई जरूरत है पैसों की तो भी मैं उसकी वो देने को तैयार हूँ। उसको बाइक चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको पैसे चाहिए, वो सब मैं उसको दूंगी, सब सारी चीज़ें होगी। तो भाई देख लो दोस्तों, जो भी भाई वीडियो देख रहा, भाई पूरी लॉटरी लग चुकी है आपकी। मैडम खुद किसी कहाँ काम करते हैं? मैम प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, मेरी मैं प्राइवेट जॉब में मैनेजर हूँ। ओके, एक प्राइवेट जॉब करते और मैनेजर है भाई, और ये सिर्फ ये चाहती है कि इनको बस खुश रखे, है ना मैम, सेटिस्फाई करे, ऐसा लड़का चाहिए। ओके मैम, एक बार आप अपनी एज बता दो और आपका एड्रेस बता दो, एक बार रिमाइंड हो जाएगा सभी को। मेरी एज 24 है। हाँ जी। और मैं तिलोकपुरी में रहती हूँ। तिलोकपुरी में। कोई दिक्कत नहीं मैम, देखो आपको बहुत सारे लोग जो आपको कमेंट करेगा मैं उसको प्रॉपर एड्रेस बता दूंगी, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ से लोकेशन पे रहती हूँ, जब मैं उसमें सेलेक्ट करूंगी। नहीं तो ऐसा क्या होता ना, 100 लड़के फिर वहाँ पे जो जिसको करना है वो भी, जिसको नहीं करना वो भी, फिर वहाँ पे सिर्फ। अच्छा अच्छा। आपका समझ गया, समझ आपका कहने का मतलब है कमेंट वही करे जो इंटरेस्टेड हो, समझे समझे। मजाक वाला बंदा जो मतलब टाइम पास करने के लिए कर रहा है वो ना कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। और लड़के की उम्र कितनी हो, कैसा क्या कुछ एक वो बता दो। नहीं, लड़के की ऐसी कोई उम्र की डिमांड नहीं है, कैसा भी हो तो भी चलेगा। तो लड़का कैसा भी हो वैसे चलेगा। चलेगा। ओके ओके। लड़का अगर हैंडीकैप होगा चलेगा। चलेगा, कैसा भी हो चलेगा, बस उसे खुश कर सके। उसके अंदर इतनी मतलब पावर होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए वो, कि वो खुश कर सके, आपको खुश कर सके। चलो ठीक है। तो मैम आप ना अपना नंबर मुझे दे देना, मैं वहाँ कमेंट में डाल दूंगा या फिर वीडियो के नीचे आपका नंबर डाल दूंगा, जिससे लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है मैम। ओके ओके। धन्यवाद मैम।